जी, तो माहौल हमने बना लिया है ताकि जो एको का मसला है और जो साउंड की कंप्लेन आई है लास्ट वीडियो में वो ना आ सके। तो चले हम बात करते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो जो सबसे पहली कंप्लेन आई थी वो आई थी ये कि भाई आपकी वॉइस में एनर्जी नहीं थी, तो ये मैंने एनर्जी के लिए पी के दे। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मोहम्मद फजील आरिफ हेयर, एंड आज हम जा रहे हैं हैरी पॉटर देखने। तो इससे पहले कि हैरी पॉटर हम देखने क्यों जा रहे हैं उसकी हम स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो हम हैरी पॉटर नहीं देखने जा रहे, हम WB स्टूडियो जा रहे हैं जो कि यहाँ से अराउंड सलाव से 15 मिनट्स दूर है, और बाबा ने कहा है कि तकरीबन हमें घंटा लग जाएगा, तो 4:30 तक तैयार रहना। अभी 4:15 हो रहे हैं और मैं पहले ही लेट हूँ, तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे थोड़े से मैजिक की, तो आज हम मैजिक से तैयार होंगे, तो मिलते हैं मैजिक में। टन, तो ये हमारा मैजिकल मिरर, और इस मैजिकल मिरर की ख़ास बात ये है कि आप कुछ भी इमेजिन करके आबरा का डाबरा बोलेंगे तो ये उसी ड्रेस में आपको चेंज कर देगा। तो हम भी ये ट्राई करते हैं, बट उसके लिए हमें चाहिए होगी एक मैजिकल वॉन्ड। तो मैं मैजिकल वॉन्ड ढूंढ के लाया ज़रा। तो मैजिकल वॉन्ड आ गई हमारे पास ये, तो अब हम अपना मैजिक परफॉर्म करते हैं, लेट्स बिगिन। आबरा का वाओ, दैट रियली वर्क्स। तो अब हम हो गए हैं तैयार, थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग वगैरह करेंगे और फिर मिलते हैं आपको कार में। वाइल फादर इज़ ड्राइविंग हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं, जैसे कि ये हैरी पॉटर का टूर हमें कितने का पड़ा। तो ये हमें अराउंड 50 पर पर्सन पड़ा, और इसकी डेट्स बहुत मुश्किल से मिली, जबकि जून में एक भी डेट अवेलेबल नहीं थी और टिल जुलाई कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रीम करता था कि काश मैं इस स्टूडियो को देख सकूं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी कि लोग जा जा के सेट पे भी इसकी वीडियोस देख रहे थे और इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी जा के देखूँ, तो फाइनली अल्लाह ताला ने सुन ली और बाबा ने टिकट्स बुक करा ली, जो कि बहुत मुश्किल थी बुक कराना। नाउ लेट्स एन्जॉय। फाइनली वी हैव रीच्ड, और काफ़ी प्यारा लग रहा है बाहर से, तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसे नज़ारे हैं। तो हमने अपनी ये गाइड रिसीव कर ली है और अब हम अपना टूर स्टार्ट करने लगे हैं, सो लेट्स बिगिन द टूर ऑफ हॉगवर्ट्स। ये ड्रैगन तो याद हो गई कौन सा ड्रैगन है, अगर नहीं आ तो मैं याद दिला दूँ, वो जो बैंक था उनका, उसमें वो जो रखवाली करा था, ये वही वाला ड्रैगन है। ये जो मेरे पीछे है ये वही रूम है जहाँ पे हैरी पॉटर का पूरा बचपन गुजरा है, और ये वो बंदा है जिसने हैरी पॉटर को सता के रखा था। ये हैरी पॉटर का वो बेडरूम, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। ये है ना हैरी पॉटर का रूम। हाँ मैंने देख लिया, डंबलडोर। Coming on in. Can everybody see me? Can everybody hear me? So, I'm now going to ask you all to please make sure your phones are on silent and are placed away in bags and pockets, as well as any cameras. So, unfortunately, Now, don't be shy, please come on.
through in here. Take it exactly fit you all in. And as you come in, it's just as it was during filming. 400 तो ये वो वाला रूम है जहाँ पे हैरी पॉटर वगैरह खाना खाते थे और अब हम नेक्स्ट हॉल में एंटर होने लगे हैं वहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये वाला ड्रेस तो याद ही होगा जिसमें हरमाइनी बहुत प्यारी लग रही थी ये याद है ये वाली कौन सी वॉल है और ये किसने लगाई थी ये मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन था वो और डंबलडोर को किसने तंग किया था और स्पेशली हैरी को भी ये सारे के सारे वो हैं जो रूल्स लगाए थे उसने जिसको आपने कमेंट में बताना है ये ग्रिफिंडोर डॉर्मेटरीज हैं जहाँ पे हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स में आके रहता था तो उसको भी लेट्स एक्सप्लोर दें कि उसमें क्या क्या है सारी वॉन्ड्स हैं ये हैरी पॉटर की है ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की और ये डंबलडोर की एल्डर वॉन्ड और ये सब ये पाथ तो सबको याद ही होगा डंबलडोर के ऑफिस में जाने का पाथ था तो ये जो कंटेनर मैं देखने लगा हूँ इसका नाम पेंसिव है और इसके अंदर डंबलडोर अपनी सारी की सारी मेमोरी स्टोर किया करता था तो अब जो आपको नज़र आ रहा है ये है पोशंस लैब और ये बेसिकली जो हमारा स्नेप प्रोफेसर था वो पोशंस पढ़ाता था और स्टार्ट में हैरी पॉटर की इससे बिल्कुल नहीं बनती थी लेकिन एंड में है जब हैरी पॉटर को पता लगता है इसकी रियलिटी तो बहुत शॉक होता दिस हाउस इज़ हैग्रिड हाउस और ऐसा मूवी का कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें हैग्रिड का हाउस ना आया क्योंकि हर हेल्प के लिए हैग्रिड के पास ही आता था हैरी पॉटर तो हर जगह ब्रूम सिक्स देख के मुझे तो होने लग गया था जैसे उसके किसी तरीके से मैं भी इसको चला लूँ तो फिर मुझे नज़र आई ये निम्बस 2000 और निम्बस 2001 तो फिर मैंने सोचा अप 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 और ये आ गई याहू फाइनली अभी भी पता लगा है मुझे कि हम सच में एक्सपीरियंस कर सकते हैं ब्रूमस्टिक उड़ाने का तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस और बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है तो ये देखें वीडियो तो अभी हमारा हाफ टूर हुआ है और अभी हाफ बाकी है जो कि नेक्स्ट पार्ट में रिलीज़ होगा तब तक आप वीडियो एंजॉय करें